हेलो क्रिकेट बडीज, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। तो दोस्तों आज हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है और नई सीरीज में मैं तीन वीडियो के नाम ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेस्ट कोच फॉर मी, फिर उसके बाद आने वाला है कि क्रिकेट कितना परसेंटेज मेंटल गेम है और कितना स्किल बेस्ड गेम है, और तीसरा वीडियो होने वाला है रियलिटी चेक कि आप लेजेंड प्लेयर हो या फिर नहीं या फिर कैसे बन सकते हो, उसके ऊपर आने वाला है तीसरा वीडियो। तो ये अगर आप अपनी गेम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो ना तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और प्लस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि यार ये वीडियो में ये जो सीरीज़ है वो मेरे अपने ओपिनियंस से, ठीक है, आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं। फिर उसके बाद कि ये वीडियो में ना ये सीरीज़ में एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूछने वाला हूं और काफ़ी ट्रिकी भी होने वाले, तो देखते हैं कितने प्लेयर्स उन तीनों सवालों का जवाब दे पाते हैं, हालांकि पता नहीं सवाल कितने होंगे। तो चलिए फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि बेस्ट कोच फॉर मी, तो अब यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के कोचेस होते हैं, उनके स्किल्स अलग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ना जनरली क्या होता है कि एक बैटिंग कोच होता है, एक फील्डिंग कोच होता है और एक बॉलिंग कोच होता है, और उसके ऊपर होता है हेड कोच, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन अगर हम लोग एकेडमी में विजिट करते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं तो जनरली वहाँ पर ज़्यादातर ऐसा होता है कि वहाँ पर उस टाइप का कोचेज या फिर नहीं होते, या फिर वहाँ पर असिस्टेंट कोचेज होते हैं या फिर एक कोच ऐसा होता है कि वो सब कुछ कराता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ना एक और चीज़ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग जब एकेडमी में जाते हैं, ठीक है, एडमिशन लेने के लिए, तो हमारा सवाल क्या होता है, या तो आप लोग पूछते हो या फिर आपके पेरेंट्स आपके बिहाफ में पूछ लेते हैं कि आपने क्या खेला है, आप कितने सर्टिफाइड हो, आपके पास कितना सर्टिफिकेट है, वगैरह वगैरह इस टाइप के क्वेश्चंस आता है। तो मेरे को ये बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है, क्यों लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तो हालांकि आपके ओपिनियंस हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, मुझे भी पता है। तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल लेते हैं तो उस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक कोच है ए, ठीक है, वो सर्टिफाइड है, वो काफ़ी अच्छा है वो, और दूसरा कोच है बी, बी के पास सर्टिफाइड नहीं है लेकिन नॉलेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब चलो मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे ज्वाइन करना है तो मुझे कौन सा कोच सिलेक्ट करना चाहिए, तो ए के पास जाना चाहिए या बी के पास जाना चाहिए। तो एक स्टोरी भी है इसके साथ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो सचिन तेंदुलकर की स्टोरी है। तो यहाँ पे ए के साथ क्या होगा कि अगर उसके पास नॉलेज है, वो एक लेवल पे है, तो वो उस टाइप की बातें करेगा, जनरली वो अपने स्टाइल को देखेगा, वो अपने परसेप्शन होगा उस हिसाब से आपको देगा, नॉलेज देगा, आपका ड्राइव मार रहे हो तो उस हिसाब से वो आपको सिखाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ है बी, अगर बी के पास मैं जाता हूँ, बी के पास देखो सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास नॉलेज है, और अगर बी ऐसा कुछ करता है कि वो मेरे पीछे पड़ जाए, वो मेरी स्टाइल को, मतलब जो मेरी स्टाइल है उसको मास्टर करने के लिए प्लान बनाए, उसको मेरी स्ट्रेटेजी बताओ, तो वो उस हिसाब से मेरे को कोऑर्डिनेट करेगा, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा होगा कि वो कोच इतना ज़बरदस्त है कि वो यार मेरे पीछे पड़ रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात होती है कि अगर कोच आपके पीछे पड़ जाए, आपको सुधारने लगे, आपकी स्टाइल जो है उसको मास्टर करने में मेहनत करें ना, तो उससे अच्छा कोच हो ही नहीं सकता है। हालांकि एक और स्टोरी की मैंने बात की थी सचिन तेंदुलकर की, तो उसमें क्या है कि आपने ये शायद मैं ये चीज़ मेरे स्टार्टअप में शेयर करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं आपको आज थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ। तो वहाँ पे ना सचिन का कोच क्या खेला, आपको क्या पता क्या खेला सचिन का कोच, लेकिन सचिन का कोच जो था तो उसने कितनी मेहनत की है सचिन के ऊपर। हालांकि आपने एक बड़ी स्टोरी है, वो आपने देखा होगा कि स्टंप्स के ऊपर है ना एक कॉइन रखते थे, अगर सचिन पूरा दिन खेला आउट नहीं हुआ तो वो कॉइन सचिन घर ले जा सकता है। तो लेकिन वो क्या था, वो चीज़ वो कोच क्या कर रहा था, वो सचिन को इतने ज़्यादा टास्क दे रहा था, और सचिन का ये नहीं था कि यार मेरे को कॉइन घर ले जाना है, सचिन का था कि ये टास्क है, ये मेरे को जीतना है, मेरे को ये फीलिंग, वो फीलिंग के पीछे जा रहे थे। तो इसलिए वो उतने मास्टर हो गए ना कि आज उनके पास वो टाइटल है द गॉड ऑफ क्रिकेट, हालांकि ये टाइटल मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं कि ऐसे ऐसे टास्क आपको मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, कि और भी काफ़ी सारे टास्क थे और डेफिनेटली मैं भी स्टार्टअप में देने वाला हूँ, तो लेकिन वो बाद में। तो ये एक और था, लेकिन अगर आज के टाइम में इसको कंपेयर करें ना कि यार कॉइन रख दो तो कोई बात नहीं बनेगी, हाँ लेकिन अगर आईफोन 10 रख दो ना तो कुछ बात बन जाए, है ना। वेल जोक्स अपार्ट, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला है। तो चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग ने डिफरेंट टाइप के कोचेस है, ठीक है, अगर मान लो कि आपके एकेडमी या फिर उस टाइप में नहीं है इस टाइप के कोच कि एक प्रॉपर बैटिंग कोच, एक प्रॉपर बॉलिंग कोच, एक प्रॉपर फील्डिंग कोच, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे जो भी जितने कोच होंगे ना, तो आप अपने हिसाब से लेबल लगा दो कि यार अगर आपको लगता है कि ये बैटिंग अच्छे से सिखाते हैं, तो आपका वो मान लो कि ये मेरा बैटिंग कोच, ये मेरा फील्डिंग कोच और ये मेरा बॉलिंग कोच, इस हिसाब से आप भी कुछ सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और क्या होगा, एक और चीज़, ये हेड कोच और बैटिंग कोच में डिफरेंस क्या होता है, देखो बैटिंग कोच होगा ना वो है ना आपकी बैटिंग पे काम करेगा, कि आपके अगर मान लो इन स्विंग खेलना नहीं आता तो वो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग देगा, वो सब करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सीधा हेड कोच के पास जाओगे ना तो वो ये
सारी बातें नहीं करेगा, तो वो किसके ऊपर फोकस करता है? वो फोकस करेगा आपको, आपका मोरल डाउन हो तो उसको बूस्ट करने में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, आपको पूरा एकदम स्ट्रैटेजी पे काम करेगा, वो प्लानिंग पे काम करेगा भाई किस तरह से निकाल दे। भाई हेड कोच आके ये मत पूछना कि भाई कल तेरे को वो बाउंसर डालने वाला, शॉर्ट पिच डालने वाला है तो प्रैक्टिस की है कि नहीं, वो सवाल नहीं पूछेंगे। हाँ, एक दो टिप्स जरूर देंगे आपको कि आप किस तरह से निकल सकते हो। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है हेड कोच में फिर बैटिंग कोच में उस हिसाब से, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि क्या है। हालांकि हम लोग कितना टाइम देते हैं बैट खरीदने में या फिर ये तो भाई कोच तो यार आपका करियर डिफेंडिंग हो सकता है, तो अब इसके ऊपर मेहनत करनी है यार। अब ये नहीं है कि आप सीधा मेरे को ही पूछो कि भाई मेरे लिए बेस्ट कोच कौन सा है। देखो यहाँ पे आपको अपना पैटर्न भी देखना पड़ेगा कि भाई मेरा बैटिंग का खेलने का पैटर्न क्या है, मैं किस हिसाब से करता हूँ, तो सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हो सकता है चेंजेस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अब बारी है सवालों की, तो मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या ये कॉन्सेप्ट को आप एग्री करते हो कि मेरी बात सच है गलत है? जो भी आप नीचे अपनी राय जरूर दीजिए। ये था पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, अगर आप किसकी ओर जाओगे, ए को सिलेक्ट करोगे या बी को सिलेक्ट करोगे? ए के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बी के पास भी नॉलेज है लेकिन वो आपके पीछे पड़ रहा है, तो आप कौन सा कोच सिलेक्ट करोगे? आई होप आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो नीचे कमेंट में आंसर जरूर देना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने सारे क्रिकेट बडीज़ के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, और यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बटन देख रहे हो ना गुस्से से कितना लाल हो चुका है, अगर आप ये क्लिक कर दोगे ना तो इसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा, और बगल में बेल आइकन भी मिलेगा तो वो भी ज़रूर प्रेस कर दो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये सीरीज़ को मिस मत करना, मैं एक और बार बोल रहा हूँ, और इसको 2-3 बार घुमा फिरा के देखो ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और शायद मैंने पूरा कवर नहीं किया, डीप में मैं जाऊँगा, और अगर आप चाहते हो तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। Love cricket, live cricket.